वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चंद्र राशि पर आधारित साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे, साथ ही ये राशिफल आपके लिए दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए रहेगा। तो 1 से 7 दिसंबर की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1 से 3 दिसंबर के लिए चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके राशि स्थान से दूसरे भाव में स्थित होंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा का आना आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा विनम्र होगी। आप किसी के साथ भी जब बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, तो अगले को अच्छा लगेगा। काफ़ी आपसे बहुत सारे लोग इस समय में प्रभावित होंगे। तो आप ये जो समय है, 3 दिनों का जो समय है, इसमें कितने भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। तो कोई भी आपको काम बनवाना है अपना, कोई भी काम करवाना है, वो आप ये समय में करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको धन की बचत हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना ये दिखाता है आपकी जो वाणी है वो तो प्रभावशाली होगी ही, साथ में आप अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छा प्रभाव रख पाएंगे और आप अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करेंगे। आपके जो संबंध है अपनी फैमिली से वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये समय में आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको अपनी भोजन संबंधी आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रकार का मद्यपान करते हैं तो आप उससे दूर रहें। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे सुधार भी करने के लिए विचार करेंगे जो आपको भोजन संबंधी मामलों में या अपने व्यवहार के लिए करने चाहिए। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना आपको अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा ऑब्सेस्ड बना सकता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल बना सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह की चांस बन सकती है। साथ में आपको अचानक धन की यहाँ पर प्राप्ति भी हो सकती है या नुकसान भी हो सकता है। चंद्रमा यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से कुछ रहस्यात्मक बातों में आपका इंटरेस्ट रहेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को थोड़ी सी रहस्यात्मक लगेगी, थोड़ी सेक्रेटिव टाइप की लगेगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस समय में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है कहीं से। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको एक्सीडेंट का विशेष ध्यान इस समय में रखना होगा। चंद्रमा का सेकेंड हाउस में गोचर आपको काफ़ी सारी बचत करने के लिए प्रेरित करेगा, धन को बचाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ में जो आप खर्चा करना चाहेंगे वो या तो आप खुद पर खर्च करेंगे या आप अपने फैमिली पर खर्च करेंगे। इस समय में आप अपने फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। शुरुआती 3 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4 और 5 दिसंबर के लिए। 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क में चले जाएंगे, जहाँ पर ये आपके तृतीय भाव में स्थित होंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा का जाना आपको अचानक छोटी छोटी कहीं की यात्राएं करवा सकता है। आपके छोटे भाई बहनों से और आपके पड़ोसियों से आपके संबंध काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। साथ ही अभी तक अगर कोई उनके साथ विवाद था तो वो दूर होगा। इस समय में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये जो समय है वो आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा। इस समय में जितने भी आप यात्राएं करेंगे उनसे आपको लाभ होगा और कहीं कुछ दूर की यात्राएं कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं या आप फॉरेन भी जा सकते हैं। दूर की यात्राएं करने का आपका मन विशेष रूप से इस सप्ताह में होगा और आप उनकी प्लानिंग करते नजर आएंगे। तो ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए और स्टार्टिंग इस वीक की काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 2 दिन रहेंगे, 4 और 5 दिसंबर, इन दिनों में मीडिया के जो भी लोग हैं, यानी मीडिया से जुड़े जो भी लोग हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। कोई कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, कोई इंटरनेट से जुड़ा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष फलप्रद ये समय रहेगा। तो ये जो समय है काफ़ी अच्छा आपको लाभ देने वाला है। चंद्रमा यहाँ से आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। नवम भाव पर दृष्टि डालने से पिता से अच्छे सहयोग की अपेक्षा आप कर सकते हैं। भाग्य से आपको साथ मिलेगा, दूर की यात्राओं से फायदा होगा। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में या धार्मिक ग्रंथों में हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं वो इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और
आपको हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इस समय में अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता लेते हैं, अगर उनकी सलाह लेते हैं, तो आपके लिए वो सलाह काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर अगर इस वीक की आपके लिए शुरुआत देखी जाए तो आपके धन लाभ से, धन की बचत से शुरुआत होगी, और आगे जैसे जैसे ये वीक बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलते जाएंगे। साथ ही अंतिम दो दिनों की बात करते हैं, 6 और 7 दिसंबर। 6 और 7 दिसंबर को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में होगी। यहाँ पर चंद्रमा आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह से फ़ायदा करवा सकते हैं। आपके अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे, आपको अपनी माताजी से सहयोग मिलेगा, और आपकी माताजी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो वो दूर होगी। साथ ही घर में कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था या प्रॉपर्टी का कोई भी काम आपका अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। चंद्रमा का 4th हाउस में गोचर, हम ये कह सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा फ़ायदा करवाएगा, धन संबंधी या कोई प्रॉपर्टी संबंधी फ़ायदा करवा सकता है। चंद्रमा यहाँ से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपके लिए जो विशेषकर जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए ये अच्छी स्थिति रहेगी, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये समय में ध्यान दे पाएंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इन दिनों में आप अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। साथ ही पहले से ही जो कोई जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन के चांस बन सकती है, उनको सैलरी बढ़ने की चांसेस बन सकते हैं, या आपके काम की सराहना होने की वजह से आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। साथ ही आपको कहीं से मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके ऊपर काम की कोई नई जिम्मेदारी भी आ सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही देखिए, ये जो वीक है इसकी स्टार्टिंग आपके लिए धन संबंधी कार्यों से हो रही है, तो जाते जाते ये कोई आपको ऐसा धन संबंधी जो भी कार्य हैं उनमें प्रॉपर्टी जैसा लाभ भी देकर जाएगा। और आप अगर इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा तो वो काम आपका बनेगा। साथ ही आपको घर का वातावरण काफ़ी पसंद आएगा, आप अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव इस समय में महसूस करेंगे। तो ये पूरा वीक आपके लिए बहुत बेहतर है वृषभ राशि वालों के लिए, और इस वीक का आप कितना फ़ायदा लेते हैं ये आप अपने कार्यों से पता लगा सकते हैं। साथ ही इस वीक में अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, और इनके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ब्लू। फिलहाल बस आपके लिए साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।